हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक HP मोटर के बारे में। इस मोटर का प्रॉब्लम ये है, खोलने के बाद अभी इतना खोले हैं, आपको इस तरह का प्रॉब्लम आपके पास हो तो आप खुद अपने आप रिपेयरिंग कर सकते हैं। रिपेयरिंग करने से पहले दोस्तों, पहले आपको हम चेक करके दिखाते हैं, चेक करके इसको आपको दिखाते हैं। जैसे कि हमने इस तरह श्री तार को बना चुके हैं, अब इससे हम आपको चेक करके दिखाते हैं। इसमें हम लाइन देते हैं श्री तार में, देखिए इस तरह श्री तार में ऑनलाइन दे चुके हैं। अब देने के बाद इसमें हम दोनों में सटाते हैं तो चलता नहीं है। आप इस तरह का प्रॉब्लम कैसे हैं, देखिए इस तरह इसको सटाएं तो मोटर नहीं घूम रहा है, इसमें भी सटाएं मोटर नहीं घूम रहा है, इसका रीज़न क्या है पता नहीं। कैसे रिपेयरिंग करें इसके बारे में आपको बताएंगे। जैसे कि हम पहले दोनों कैपेसिटर को खोल देते हैं, इस तरह दोनों कैपेसिटर को खोलने के बाद इस वायर को भी अलग कर देते हैं और इसको हम चेक करते हैं कि मेरा कॉइल सही है कि ख़राब है। चेक करने से पहले इसमें हम चेक कर लेते हैं दोनों में, जैसे कि सीरीज लाइन से, जैसे कि ये मेरा स्टार्ट रनिंग का है, ये दोनों स्टार्टिंग का है। अब रनिंग और स्टार्टिंग को आप कैसे पहचानिएगा उसके भी बारे में बताएंगे। तो इसको पहले हम चेक करते हैं, जैसे कि ये है मेरा स्टार्टिंग रनिंग का और ये है स्टार्टिंग का। इसमें सारा बता रहा है सही है, जैसे इसमें दोनों में सटाने के बाद देखिए बता रहा है, इसमें सटाएंगे तो नहीं बताएगा, जैसे इस तरह सटाएं तो नहीं बताया, इसमें भी नहीं बताना चाहिए बॉडी में, देखिए नहीं बताया। उसी प्रकार इसको भी चेक करेंगे, इसमें सटाएंगे और इसमें बताना चाहिए, देखिए इस तरह ये बताना चाहिए, इसी तरह इसमें सटाएंगे या तो इसमें नहीं बताना चाहिए, जैसे कि इसमें देखिए सटाएं नहीं बता रहा, इसमें भी सटाएं नहीं बताया, इसमें भी नहीं बताना चाहिए, इस तरह नहीं बताना चाहिए। इससे पता चलता है कि कॉइल सही है। जैसे कि दोनों को चेक करते हैं तो इसमें लाइन आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, कॉइल सही है, फिर चल क्यों नहीं रहा है। इस प्रॉब्लम को इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। पहले इसको चेक करने से पहले आपको आप खोल के देखना पड़ेगा, जैसे कि हम इस तरह आप डायरेक्ट लाइन को हम देते हैं, चलिए आपको हम डायरेक्ट लाइन को दे के दिखाते हैं। फिर इसमें जैसे कि जिस तरह पहले कनेक्शन था उस तरह कनेक्शन को हम फिर कर देते हैं, जैसे इस तरह दोनों जुड़ा हुआ था, इसका यहाँ पर जुड़ा हुआ था और इसका यहाँ पर जुड़ा हुआ था। हम आपको सीरीज से दिखाएँ, अब हम डायरेक्ट इसमें लाइन देंगे, नहीं चलता है। जैसे कि इसको लाइन काटते हैं और हम तार, देखिए हम इस तरह टुकड़ा तार को ला चुके हैं, अभी इस तार को इसमें हम डालेंगे, इस तरह डाल देते हैं, देखिए इस तरह, और इसको ऑन कर देते हैं। इसमें मेरा डायरेक्ट लाइन आ चुका है, अब इसमें और इसमें देखिए इस तरह सटाने के बाद ये चलता नहीं है, खाली आवाज़ करता है गोंग गोंग की, जैसे आवाज़ आता है देखिए इस तरह का आवाज़ आ रहा है। अब इसको किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसको लाइन काटते हैं, पहले इस तरह काट दिया है लाइन, उसके बाद हम इसको आपको खोल के दिखाएंगे इसके अंदर क्या फॉल्ट है। पहले इसको खोलना पड़ेगा, इसको साइड कर लेते हैं और इस तरह इसको कर लेते हैं और सारा लाइन नट को हम खोलेंगे, इस तरह सारा नट को हम खोल लेते हैं। इस तरह हम सारा नट को खोल चुके हैं, इसको भी खोल लेते हैं, इस तरह खोल लेंगे इसको साइड कर देते हैं। अब इसको हम बाहर निकालेंगे, बाहर निकालने के लिए इसको हम ठोकेंगे और इसको बाहर ले जाएंगे, इस तरह इस तरह इसको बाहर निकाल लेंगे, देखिए इस तरह इसको हम बाहर निकाल चुके हैं दोस्तों। निकालने के बाद देखिए इसमें कॉइल पूरा हीट हो चुका है, देखिए इस कॉइल पूरा हीट हो चुका है, पूरा ये हीट हो चुका है दोस्तों। फिर भी कॉइल सही है, कॉइल सही है कि इसमें हम चेक किए, आपको दिखाएं चेक करके कॉइल सही है। इसमें प्रॉब्लम क्या है सो अब देखना पड़ेगा। इसको भी बाहर निकाल लेते हैं, इसको देख लेते हैं, देखिए इसमें फॉल्ट है, बैरिंग पूरा देखिए इस तरह ये ख़त्म हो चुका है, बैरिंग को नया लगाना पड़ेगा, ये बैरिंग को चेंज कर देंगे, बैरिंग भी उसके बाद इसको खोल के देख लेते हैं कॉइल में कोई तरह का दिक्कत ना हो, इसलिए इसको भी खोलते हैं। खोलने से पहले हम लकड़ी को इस तरह ला चुके हैं, लकड़ी पे इसको ठोकेंगे, इस तरह पहले इसको यहाँ नीचे रख लेते हैं, इसमें यहाँ पे इसको हम ठोक देंगे, ये कॉइल बाहर आ जाएगा, पहले इसको हटा देते हैं, इसको हटा दिए और देखिए वैसे आप रिटर्न आ गया, आपने ठोकने का ज़रूरत नहीं है, इस तरह ये बाहर आ चुका है, देखिए इस तरह इसको हम बाहर कर चुके हैं खोल के,
इसमें सब जो बांधा हुआ है इसको हटा देते हैं। इसको सब हटा देते हैं। इस तरह इसको सब हटा, इस तरह इसका सारा जो बांधा हुआ था उसको हटा देते हैं और इसको साइड कर देते हैं। कॉइल को आपको दिखाते हैं, देखिए इस तरह इसको साइड कर दें। देखिए कॉइल इसमें सही है, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है इसमें कॉइल में, खाली इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बेयरिंग के कारण इसमें यहाँ पे सट रहा था पूरा। दोस्तों आपको कॉइल भी चेक करके दिखा देते हैं। देखिए चलिए आपको हम कॉइल को भी चेक कर लें। देखिए इस तरह हम इसमें लाइन दे देते हैं और इसमें लाइन इसको ऑन कर देते हैं और कॉइल चेक करके आपको दिखाते हैं। देखिए इसको हम खोल देते हैं। देखिए इस तरह इसको खोल दिए और इसमें सटाएँ जल गया, इसमें सटाएंगे नहीं जलेगा, बॉडी में नहीं जलना चाहिए। देखिए बॉडी में भी नहीं जल रहा, अब इसमें सटा रहा है इस और इसमें जल जाना चाहिए। देखिए इस तरह जल गया, इस बॉडी में नहीं जलना चाहिए। इस तरह आप कॉइल को चेक कर सकते हैं और ये दोनों वायर को आपस में देख सकते हैं, इसमें नहीं जलना चाहिए। देखिए नहीं जला, इस तरह आप चेक कर सकते हैं। आप ये आपको जैसे कि आज मोटर क्यों नहीं चल रहा था, चलने का रीज़न देखिए इसके अंदर, ये तो बेयरिंग ख़त्म हो चुका है। दूसरा इसमें फॉल्ट देखिए, बेयरिंग के कारण ये फॉल्ट, बेयरिंग के कारण पूरा इसमें रगड़ हो रहा था। देखिए जिस काला, जैसे कि इसमें पूरा रगड़ हो रहा था जिसके कारण ये चल नहीं रहा था, और जाम था, जाम तो नहीं था फ्री था पूरा, फिर भी चल नहीं रहा था। इसका प्रॉब्लम यही था कि ये पूरा रगड़ मार रहा था और सेटिंग में कोई प्रॉब्लम होगा इसलिए नहीं चल रहा था। अब इसमें हम बेयरिंग को नया डालेंगे पहले, उसके बाद इसको फिटिंग करेंगे। चलिए बेयरिंग को नया लगाते हैं इसके अंदर। इस तरह बेयरिंग को खोलना पड़ेगा पहले, बेयरिंग को खोलने के लिए इसको पहले इस तरह कर लेते हैं, उसके बाद इसमें हम बेयरिंग लगाते हैं। इस तरह पुलर को लगाएंगे, इस तरह हम पुलर को लगा लेते हैं। इस तरह पुलर को लगा रहे हैं, इसके बाद इसको हम टाइट करेंगे। तो ये देखिए इस तरह इसको हम पुलर को लगा चुके हैं। लगाने के बाद इसको हम घुमाएंगे इस तरह, देखिए इस तरह ये आसानी से बाहर आ गया बेयरिंग, पूरा यहाँ पे ढीला हो गया था, टाइट नहीं था। अब इसको हम यहाँ पे नया बेयरिंग डालेंगे, जैसे कि मेरे पास नया बेयरिंग है, जितना नंबर का ये बेयरिंग है 6202 का है, 6202 का ही बेयरिंग इसके अंदर डालना है। चलिए इसको बेयरिंग को फिटिंग करते हैं। इस तरह इसमें बेयरिंग को चेंज कर देंगे, नया बेयरिंग लगा दे रहे हैं। अब इस तरह इसको देखिए, इस तरह इसको हम नया बेयरिंग को डाल देंगे इसके अंदर। ये बेयरिंग ख़राब हो गया था इसलिए दोस्तों। अब इसको लगाने से पहले इसमें हल्का फाइल से मार देंगे, ये यहाँ पे हल्का फाइल कर देंगे इसको, इस तरह इसमें हल्का हल्का फाइल लगा देंगे ताकि बेयरिंग टाइट हो जाएगा। इस तरह फाइल लगा दिए, लगाने के बाद इस बेयरिंग को हम इसके अंदर डाल देते हैं। देखिए इस तरह इसको बेयरिंग को हम डाल देते हैं इसके अंदर। डालने से पहले इसको आप क्या करेंगे, इसको बैठाएंगे कैसे, इस तरह जो बेयरिंग हम पुराना बेयरिंग है इसके अंदर इस तरह डाल देंगे, इसके अंदर इस तरह डाल देंगे और हथौड़ी से धीरे धीरे इसको टाइट कर देंगे। इस तरह इसको ठोक देना है बेयरिंग डाल के, इस तरह इसको हम देखिए, इस तरह ये बेयरिंग मेरा बढ़ चुका है। अब इस बेयरिंग को हम बाहर निकाल देंगे। देखिए इस तरह हम बेयरिंग को फिटिंग करते हैं दोस्तों। अब उसके बाद आपको हम दिखाते हैं इसको, इसको हम सेटिंग करेंगे इसके अंदर। पहले इसको डाल लेते हैं, इसको उसके पहले इसको हल्का पोंछ लेना है, अच्छी तरह से पोंछ लीजिए ताकि जो सट रहा था वहाँ पे गंदगी था वो ख़त्म हो जाएगा। देखिए इस तरह इसको हम साफ कर दिए। अब साफ करने के बाद इसको हम फिटिंग करेंगे। चलिए इसको फिटिंग करते हैं। देखिए इस तरह इसको डाल देते हैं इसके अंदर। ध्यान में रखना है कि जहाँ पर था वहीं पर फिर डालना है, इधर उधर नहीं होना चाहिए। इस तरह इसको हम डाल दे रहे हैं, देखिए इस तरह इसको डाल देते हैं। देखिए इस तरह इसको धीरे धीरे अंदर कर देंगे। देखिए इस तरह इसको बैठा दिए दोस्तों, अभी बैठ चुका है पूरा। अब इसके बाद इसको हम लगा देंगे, इस तरह इसको हम लगा देते हैं इसके अंदर। इस तरह इसको डाल देंगे,
इस तरह इसको बैठा देंगे और इसको हम इसको ठोक के इसके अंदर बैरिंग को बैठाएंगे। इस तरह इसको हम नट को टाइट कर चुके हैं, सारा नट को टाइट कर दिए, पूरा अच्छी तरह से टाइट करना है ताकि दिक्कत ना हो। इस तरह इसको हम पूरा टाइट कर चुके हैं। अब इसको हम आपको दिखाएंगे। इसके दिखाने से पहले हम इसमें हम इसको यहाँ पे लगा देंगे, इसको यहाँ पे लगा दे रहे हैं, उसके बाद आपको हम चेक करके दिखाएंगे। पहले इसको लगा लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह हमने पत्ती को लगा चुके हैं। लगाने के बाद अब आपको हम चेक करके दिखाएंगे। चेक कर, दो को स्टार्टिंग है और दो को रनिंग है। ये मेरा स्टार्टिंग का है, ये दोनों रनिंग का है। तो दोनों में एक ठो स्टार्टिंग को ले लेंगे और एक ठो रनिंग को। इस तरह दोनों को आपस में इस तरह हम जोड़ देंगे। इस तरह इसको हम जोड़ देंगे। देखिए इस तरह एक रनिंग को एक स्टार्टिंग को जोड़ दिए। अब मेरा दो को बच गया, दो को बच गया। इसमें हम कैपेसिटर लगा देंगे। दोनों कैपेसिटर के वायर को कनेक्ट कर देंगे, एक इस साइड हो गया एक इस साइड। इस तरह इसको हम कनेक्ट कर दिए। कनेक्ट करने के बाद अब हम सीरीज से पहले चेक करेंगे इसको। सीरीज लाइन से हम इसको चेक करेंगे। सीरीज लाइन से चेक करने के लिए पहले सीरीज में लाइन देते हैं। इस तरह यहाँ पर लगा देते हैं बल्ब को, और इसमें हम लाइन दे रहे हैं सीरीज लाइन। और इसको हम बल्ब को पहले ओके। देखिए इस तरह मैं सीरीज लाइन में लाइन दे चुका है। अब इसके बाद इसको एक ठो यहाँ पे सटाना है और एक रनिंग में सटाना है, या स्टार्टिंग में सटाइए या तो रनिंग में घूमने लगा या उल्टा सीधा होगा। उसके बाद हम एकदम जैसे कि हम एक कॉमन को जो बना रहे हैं इस कॉमन वायर में इसमें सटाएंगे और एक इसमें सटाते हैं। देखिए इस तरह, देखिए सटाने के बाद चलता नहीं है। देखिए इस तरह इसको घुमा भी देते हैं तो नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। अब इसको इसके साथ देखते हैं अभी। इस तरह इसके साथ सटा के देखते हैं। देखिए नहीं चला, नहीं चला। हम अब इस कैपेसिटर को चेंज कर देंगे, जैसे कि नहीं चला, जिसके कारण हम कैपेसिटर को चेंज कर देंगे और हम नया कैपेसिटर को लगाएंगे। चलिए इस कैपेसिटर को हटा देते हैं, उसके बाद नया कैपेसिटर से चेक कर लेते हैं। इस तरह हम इसको सेट कर देते हैं और नया कैपेसिटर को जोड़ते हैं। देखिए इस तरह हम नया कैपेसिटर को जोड़ देते हैं। देखिए इस तरह हम नया कैपेसिटर को जोड़ चुके हैं। अब इसको हम चेक करेंगे, इसमें डालेंगे और इसमें। देखिए इससे भी नहीं चला, नया कैपेसिटर से भी नहीं चला दोस्तों, नहीं इससे घुमाने पर भी नहीं चलता है। देखिए अब इसको हम डायरेक्ट लाइन से चेक करके देखेंगे। डायरेक्ट लाइन से इसमें देते हैं, डायरेक्ट लाइन से इसमें चेक करके देखेंगे। चलिए हम डायरेक्ट लाइन से चेक करते हैं इसको। जैसे कि हम वायर को ला चुके हैं इस तरह। अब इस वायर को इसमें हम लाइन देंगे, इसमें हम डायरेक्ट लाइन दे दे रहे हैं दोस्तों। इस तरह हम डायरेक्ट लाइन दे दिए। अब एक वायर यहाँ पे सटाएंगे और एक वायर को यहाँ पे, उसके बाद देखते हैं चलता है कि नहीं। देखिए ये मोटर चल चुका है दोस्तों। देखिए इस तरह आप मोटर बना सकते हैं, अपने घर पे रिपेयरिंग कर सकते हैं दोस्तों। कैसी लगी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।